Tchau, tchau. Bye, grandmama. बाय 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 मन्ना, बाय मम्मा, बाय बाय बाय। सी यू। स्कूल मध्ये चालला तू? कुठे चालला? स्कूल मध्ये। आणि तुझ्या स्कूलचं नाव काय आहे? क्या काय? आपके स्कूल का नाम क्या है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। ओके, इकडे बघ, कटिंग कटिंग कशी छान छान केलेली बघू। हात पण नाही लावत बघू। बाय बाय। वर बघून म्हण, वर बघून बाय बाय। हो, हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज है फ्राइडे एंड डेट है 26 जुलाई। तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट तो हो गया था, बट बीच में मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि बीच में मैं अद्विक को छोड़ने गई पहले, उसके बाद मैं उसको लेके आई और मेरी भाभी आई थी आज, उसको मिलाना भी नहीं हुआ क्योंकि मतलब उस बातें करते करते ऐसा हो गया कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो उससे आपको मिलाना नहीं हुआ। और वो जो आई थी बीच बीच वाले भाई की वाइफ आई थी जो पुणे में रहता है उसकी, तो उसके साथ बातें करते करते टाइम निकल गया और वो भी चली गई आज, उसको जाना था। तो उसके बाद अद्विक को लाया और मैं भी सो गई, तो इसीलिए आपसे बात ही नहीं कर पाई। और अभी थोड़े से काम बाकी है वो कर लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मैं माही की हेयर कट कराने। माही, आप आपको माही के बाल दिखा देती हूँ मैं सबसे पहले, माही के बाल कैसे हो गया देखो, माही के बाल कितने घास फूस लग रहे हैं आपके बाल। पूरे पतले पतले हो गए और अजीब से लग रहे हैं। अभी चोटी बांधती हूँ तो ठीक लगता है, बट ये अभी चोटी नहीं बांधी है इसने आज, तो इसीलिए अजीब से लग रहा है इसके बाल। तो इसके हेयर कट भी करा देती हूँ, और इतने लंबे लंबे बाल भी अच्छे नहीं लग रहे इसके, अभी पतले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं देखो, पूरे घास लग रहे हैं। पण यायचं काय करते तू बघू, काय करते? पाणी पीते आहे। अच्छा, दाखव तुझी बॉटल, दाखव ब्लू कलरची, छान छान। कोणते कलर आहे? रेड कलर। रेड कलर? रेड कलर, रेड कलर नाही आहे तो, ब्लू कलर आहे। कोणता कलर आहे? ब्लू कलर आहे। अच्छा, तो इस तरह से माही के बाल पतले पतले हो गए हैं, तो अभी हेयर कट कराना है और पहले मैं अपने काम कर लेती हूँ थोड़े से जो बाकी है घर के, उसके बाद रेडी हो जाती हूँ जल्दी से और फिर हेयर कट कराने जाते हैं।
मैं रेडी हो चुकी हूँ. ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट एंड ये ब्लू जैकेट पहना है, डेनिम जैकेट. और माही भी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो. तो हम लोग अभी जाने वाले हैं हेयर कट कराने माही का. तो चलिए फिर निकलते हैं. माही, यहाँ पर दो सलून है, किसमें जाना है आपको? कौन से इसमें जाना है आपको? बताओ ना आप. बताओ ना. ठीक है फिर, चलो इसमें चलो. घर पे माही का हेयर कट करा के, और आपको दिखाती हूँ मैं माही का हेयर कट कैसा हुआ है. माही आते ही मटकने चली गई मैडम. कितनी देर रुकू? 5 मिनट रुकने के लिए बोल रही है मैडम. और वो एक्साइटेड थी कि उसके पापा को मतलब हेयर कट आते ही दिखाएगी, बट उसके पापा घर पे ही नहीं है. वो बाप बेटे गए हैं बाहर, और हम मम्मी भी और बेटी बाहर गए थे घूम के आए. अरे अरे, ये हेयर बैंड था अपने. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. हाँ, सुंदर सा हेयर कट हुआ है माही का. और एक मिनट इस तरह से, अब एक मिनट. हाँ पीछे से. हाँ, बहुत सुंदर लग रही है माही. हाँ देखो, डॉल जैसी. ये लोग पकड़ो, एक मिनट. अच्छी लग रही है. तो इस तरह से माही का हेयर कट किया, और मुझे काफी अच्छा लगा. उसको भी काफी पसंद आया है, और वो तो काफी ज्यादा खुश है. है ना? है ना? बहुत अच्छा लगा ना आपको? हाँ. बहुत अच्छा लगा. बहुत ही सुपर डुपर अच्छा लगा. तो वो तो बहुत ही खुश है, इसी वजह से मैं भी खुश हूँ. मतलब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस पर सूट कर रहा है. पहले वाले मतलब आपने तो देख ही लिए कि उसके जो हेयर है वो कितने घास फूस हो गए थे, है ना? घास फूस. तो मुझे भी मतलब कब से मैं सोच रही थी कि इसके हेयर कट करवा लेते हैं, मतलब हेयर कट के लिए जाने वाले थे. बट इसको जो है वो लंबे बाल पसंद है, तो मेरी मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था इसको बोलने के लिए कि आपका हेयर कट कराना है, क्योंकि इसको लंबे बाल पसंद है. तो वो बाल को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी. तो फिर भी अभी मैंने इसको कैसे तो भी मनाया हेयर कट के लिए, और करा ही लिया इसका हेयर कट. और अभी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, खुश हो ना? नहीं तो बाल बाल जाने की वजह से गम में हो? नहीं, नहीं ना. मैं तो बहुत खुश हूँ. खुश हो ना? हाँ. नहीं तो बाल बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा था ना आपको? अभी काटे तो जल्दी बढ़ जाएंगे. हाँ जल्दी बढ़ेंगे. नहीं, आपके काटे रहेंगे अभी, बाल बढ़ाने नहीं है अभी. इतनी जल्दी बढ़ाने नहीं है आपके बाल. नहीं, इतनी जल्दी नहीं बढ़ाने आपके बाल अभी. एक दो साल बाद भी नहीं, उसके बाद 4 साल बाद. थोड़े से काटे रहेंगे ना, तो जल्दी बढ़ने लगेंगे आपके बाल. मम्मा मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड में जाने बाद मेरे. हाँ, 8 10th स्टैंडर्ड में जाने के बाद. इसको देखो बालों का कितना पड़ा है. 10 तक. 10 तक नहीं, 8 तक. अच्छा अच्छा, 8 के बाद बढ़ाएंगे. ठीक है. ओके, तो चलिए फिर. अभी खाना तो खाना नहीं है, हमने दही पूरी खा के आया है. कैसे थी? दही पूरी हम लोग खा के आए बाहर से. मतलब बाहर गए और थोड़ा सा कुछ खा के नहीं आए तो अच्छा लगता नहीं. तो इसी वजह से हम मतलब मैंने सोचा दही पूरी खा लेते, तो माही भी बोल रही थी कि हाँ, इसी वजह से हम लोग दही पूरी खा के आए. और अभी ये दोनों पापा और बेटे गए हैं बाहर, तो
ये भी खा के आएंगे कुछ ना कुछ, तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि अद्विक तो बिना खाए नहीं रहता है बाहर जाने के बाद, तो इसी वजह से वो भी खा के ही वो आएंगे कुछ ना चाइनीज कुछ। खाता वो चाइनीज चाइनीज, हाँ उस दिन चाइनीज बोला था, चाइनीज चाहिए, तो इसी वजह से वो भी खा के ही आएंगे। तो खाना वाना तो पता नहीं, अभी खाना तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा आज। तो बस यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, बाय कर दो। हाँ बाय। और अभी मेरे जैसे हेयर कट करना एक बार। और किस किस को माही की हेयर कट पसंद आई है तो ज़रूर बताना कमेंट करके, पहले वाले अच्छे थे या अभी के अच्छे हैं तो जरूर बताना मुझे, और माही को भी अच्छा लगेगा आप कमेंट करोगे तो। चलिए फिर, माही के लिए कमेंट कर देना आपने। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।